जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 9th क्लास के इम्तहान को मुलतवी करके तमाम बच्चों को 10वीं क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया है और हालिया सूरत हाल के अंदर स्कूल बंद है तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का प्लान बनाया है। तो केमिस्ट्री 10th क्लास की हम लोगों को आप लोगों के साथ ऑनलाइन शेयर करेंगे। तो केमिस्ट्री जो 10th क्लास की है उसका जो पहला चैप्टर है वो आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से वो चैप्टर मौजूद है। देखिए कि आज हमने अपने लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करना है उसका अगर हम की पॉइंट्स देखें कि आज के हमारे लेक्चर के की पॉइंट्स क्या होंगे तो देखिए कि आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट रिएक्शंस को, इनकंप्लीट रिएक्शंस, फिजिकल इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन और एट द एंड वी विल डिस्कस द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। और हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो बात अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो कंप्लीट रिएक्शंस का है। देखिए ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन है उनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। हम लोग कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन की तरफ चलें तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होते हैं, देखिए कि रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स किसमें तब्दील हो जाए, प्रोडक्ट्स के अंदर भी हो जाए। मुकम्मल तौर पर रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस का नाम देते हैं। फिर इनकंप्लीट रिएक्शंस कौन से होंगे, देखिए इनकंप्लीट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड products recombine to form reactants। ऐसे chemical reactions जिनमें reactants जो हैं वो मिलकर products बनाते हैं और products दोबारा क्या बनाना शुरू कर देते हैं, reactants बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे chemical reactions हमारे पास क्या कहलाते हैं, incomplete reactions, ना मुकम्मल रिएक्शन। देखिए हमारे पास दोनों एग्जांपल्स मौजूद होती हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर भी और केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर भी के इक्विलिब्रियम की। हम और आप इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं बैलेंस, मवाजना, तवाजन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है लेकिन जो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमारा जो बैलेंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आपको देना चाहूं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर कहां देखते हैं, देखिए देयर इज अ बैलेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
दरमियान कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के दरमियान, देखिए वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल एंड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर फूड प्रिपरेशन एंड सर्वाइवल। सो दोनों चीजों की अंदर क्या होती है, मिकदार के अंदर क्या रहता है, बैलेंस रहता है। पर पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम जानवर जो है जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो कि पौधे अपने फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारे इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदारों के दरमियान क्या रहता है, एक बैलेंस रहता है। समझाई बात की। अब अगर हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं तो देखिए कि केमिकल रिएक्शन जो है उनमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स, हमने जिक्र किया कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कंप्लीट है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाए वो इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन राइज होता है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखिए जहां तक ताल्लुक है रिएक्टेंट्स का, हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हम डिफाइन करने लगे हैं कि इनको रिएक्टेंट्स, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, इन आर केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, सब्सटेंसेस दैट कंबाइन, ऐसे केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीजें आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती है, उनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर नेम्ड एज रिएक्टेंट्स, उनको हम क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट्स का नाम। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें किस चीज की, प्रोडक्ट्स की, तो देखेंगे इन केमिकल रिएक्शंस किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर द न्यू सब्सटेंसेस फॉर व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ऐसे सब्सटेंसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर जो चीज बनाते हैं वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल तेज बात एक्सप्लेन करते हैं, 2H2 प्लस O2 दे विल रिएक्ट टू फॉर्म 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड हीट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दीज आर रिएक्टेंट्स एंड द वाटर इज प्रोडक्ट। देखिए ये चीजें आपस में मिल रही हैं तो ये हमारे पास दोनों चीजें क्या कहलाएंगी, रिएक्टेंट्स कहलाएंगी। और इनके मिलने के नतीजा के अंदर जो चीज बन रही है वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट। बात समझ आ गई है। तो अब हम इस बात को आगे बढ़ाते कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात हमें समझ में आ गई, हमने इससे पहले कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिएक्शन को भी डिस्कस किया। इसी बात को आगे बढ़ाएं तो हमें ये डिस्कस करना है कि इररिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल, पहले हम डिस्कस करेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शंस को। देखिए जहां तक ताल्लुक है इन रिवर्सिबल रिएक्शंस का, तो हम देखेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होंगे
ऐसे रिएक्शन दोज रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस इन विच जिनमें दोज रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट्स is called irreversible reactions. ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, ऐसे केमिकल रिएक्शन फिर क्या कहलाते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं. इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को हम यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन भी कहते हैं. ये एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते हैं और यही रिएक्शंस कंप्लीट रिएक्शंस कहलाते हैं कि जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को फिर हम क्या नाम देते हैं? दीज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नेम्ड एज इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. अब इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हम किस तरह जाहिर करते हैं. दीज केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो जो है इस चीज को जाहिर करती है कि ये तो केमिकल रिएक्शन है. ये केमिकल रिएक्शन कौन सा है? दिस इज द इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. अब अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी मौजूद होते हैं जिनमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिकंबाइन होकर क्या बनाना शुरू कर देते हैं? रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं. इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. तो हमने डिस्कस करना है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को. रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें प्रोडक्ट्स कैन रिकंबाइन टू फॉर रिएक्टेंट्स. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा अलहदा होकर क्या बना सकते हैं? रिएक्टेंट्स बना सकते हैं. ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? These type of chemical reactions are named as reversible reaction. अब अगर हम देखेंगे reversible reaction, ये complete reaction होता है या incomplete reaction होता है? Reversible reaction बुनियादी तौर पर ये complete reactions होते हैं. अब complete reactions तो incomplete reactions होंगे. मैंने आपको बताया कि incomplete reactions वो होंगे जिसमें reactant मिलकर products और products क्या बनाते हैं? Reactants. तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स. और प्रोडक्ट्स दोबारा रिकंबाइन होकर क्या बनाने लग जाते हैं? रिएक्टेंट्स बनाने लग जाते हैं. तो इस तरह के रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है और इनको क्या कहते हैं? दीज आर इनकंप्लीट रिएक्शन. ये कौन से रिएक्शन है? इनकंप्लीट नॉन मुकम्मल रिएक्शन. फिर अगर हम देखें कि जिस तरह हमने बताया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन होती है, लेकिन ये जो रिएक्शन है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है दीज आर मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन. ये मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन होते हैं. अब मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन से क्या मतलब है कि मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें जो कि एक से ज्यादा डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं.
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान दो एरोजाम लगाते हैं डबल हेड एरो के साथ, हम क्या करते हैं, जाहिर करते हैं इस चीज को रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हमारे पास है हमने क्या किया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल हेड एरो लगाई, जो कि इस बात को जाहिर कर रही है कि ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी एक बात और हमने आपके साथ शेयर करनी है, वो क्या है, मैंने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि एक से ज्यादा डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे चलेंगे। तो अब एक से ज्यादा डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, दो डायरेक्शन है, एक हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरी क्या होती है रिवर्स। तो इसमें दो रिएक्शन होंगे, एक रिएक्शन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा हमारे पास क्या होगा रिवर्स रिएक्शन। तो पहले पहले अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, इस तरह का रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरी गैस हमारे पास कौन सी है, आर्गन गैस। तो देखिए कि हम इन दोनों गैसेस को मिला लेते हैं, हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस होती है लेकिन जो आर्गन है ये हमारे पास क्या होती है, पर्पल कलर की होती है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिला दिया, तो मिलने के नतीजे में जो चीज बनेगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, कलरलेस होता है। तो देखिए कि दो चीजें मिल रही हैं, हाइड्रोजन है और आयोडीन, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें रिएक्टेंट्स ने मिलकर क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। अब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोज फ्लास्क के अंदर, इसमें करवाएंगे क्लोज फ्लास्क। क्लोज फ्लास्क से क्या मतलब है, एक ऐसी फ्लास्क होगी जिसमें से ना ही कोई चीज सिस्टम से बाहर जाएगी और ना ही कोई चीज सिस्टम में दाखिल होगी। इस तरह की फ्लास्क क्या कहलाती है, क्लोज फ्लास्क कहलाती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो उसी वक्त होते हैं जब सिस्टम हमारे पास क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन सिस्टम के अंदर ये नहीं होते। क्लोज सिस्टम के अंदर ही फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रिवर्स रिएक्शन होता है। तो फॉरवर्ड की बात मैंने आपको बता दी, इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें वो हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। जहां तक कारण है रिवर्स रिएक्शन का, तो रिवर्स रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा क्या बनाना शुरू कर देंगी, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या होगी, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगी। इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नेम्ड एज द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड डीकंपोज होकर क्या बनाना शुरू कर दे, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। अब देखेंगे अगर हम दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर देते हैं, दोनों रिएक्शंस को फॉरवर्ड को और रिवर्स रिएक्शन को हम कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मुकम्मल क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सप्लेन करें यहां पर, ये देखेंगे हमने दोनों रिएक्शंस में फॉरवर्ड को और रिवर्स को इकट्ठा जोड़ के लिखा है रिवर्सिबल रिएक्शन की शक्ल के अंदर, तो कैसे आएगा जी, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। अब हमने ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने इसको जाहिर किया किसके साथ, डबल हेडेड एरो के साथ, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बना रहा है। अब इसमें ये रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स दोबारा क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे।
ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। इसमें जो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट है, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और उसके उलट पे है, जिसमें प्रोडक्ट्स डीकंपोज होकर रिएक्टेंट्स बनाएगी, या जो कि राइट टू लेफ्ट मूव करता है, इस तरह का रिएक्शन फिर इसमें क्या कहलाएगा? रिवर्स रिएक्शन। तो जहां तक हमारी आज की बातें मुकम्मल हो जाती है, हम इसके नेक्स्ट इस बात को आगे बढ़ाएंगे विद एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट फ्रॉम डिटेल डिस्कस करेंगे, और कल एक और एग्जांपल के जरिए कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल लेकर इस बात को मजीद एलाबोरेट करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या कुछ डिस्कस किया है, अगर एक बार रिव्यू ले लें उसका, क्या आज हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस की है। तो हमने आज इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है किस चीज का, केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया है, वो सबसे पहला पॉइंट था कि कंप्लीट रिएक्शंस कौन से होते हैं और इनकम्प्लीट रिएक्शंस कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, इस तरह का रिएक्शन फिर क्या कहलाता है? कंप्लीट रिएक्शन कहलाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकम्प्लीट रिएक्शंस की, तो इनकम्प्लीट रिएक्शंस वो होंगे जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स दोबारा क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं, तो वो रिएक्शन क्या करेंगे? इनकम्प्लीट रिएक्शंस। फिर हमने इस बात को देखा कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी इक्विलिब्रियम मौजूद है, बैलेंस मौजूद है। जैसे एग्जांपल एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों गैसें हमारे दिमाग के अंदर बैलेंस के अंदर मौजूद है। फिर हमने इस बात को आगे बढ़ाया और देखा कि जो रिएक्शन है वो दो तरह के हैं, एक हमने नाम दिया इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया? रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको बताया कि इस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स। फिर हमने कहा कि दूसरी तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा क्या बनाना शुरू कर देंगे, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे, और ऐसे रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। दीज आर इनकम्प्लीट रिएक्शन और दीज आर नेम्ड एज द मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन, बिकॉज एक चीज ज्यादा डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? दीज रिएक्शंस आर नेम्ड एज मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शंस। फिर इस मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा और रिवर्स रिएक्शन कौन सा होगा। तो क्योंकि दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड मैंने आपको बताया एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और रिवर्स ऐसा होगा जिसमें प्रोडक्ट्स बाकी कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे। हमने एग्जांपल के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन किया, आपने देखा कि इसमें ये रिएक्शन जो है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और ये वाला क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। तो यहां तक हमारी आज की बातें मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप लोगों ने ये तमाम डेफिनेशंस अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेनी है, इसको टेक्स्ट बुक से आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है? होप्स हो कि आपको ये बात समझ आए, इंशाल्लाह वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। होप्स हो आप लोग इसको घर पे याद भी करेंगे, पढ़ेंगे इसे, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें।